So welcome all students. First of all, my name is Manoj Sharma. And today in this session, we are going to discuss lot many questions regarding KVS interview. आप कोई भी questions put up कर सकते हैं. You can speak in Hindi as well as आप किसी भी language में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं. No problem at all. Okay. So अगर मेरी voice आ रही है तो बिल्कुल आप सब welcome है अपने questions के साथ. आप कोई भी question put up करिए. Definitely I'll give you the best response. और मैं कोशिश करूंगा हमारे हर उस स्टूडेंट को सेटिस्फाइड करने के लिए जो केवीएस में जा रहा है. और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कोई बायसनेस नहीं रखूंगा अपने क्वेश्चनिंग के अंदर. हमारे जो भी बच्चे जो भी क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उनको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आंसर दूं. ओके, सो होप मेरी वॉइस आ रही है और मेरे स्टूडेंट्स अब डेफिनेटली मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे केवीएस रिलेटेड. यदि आप पीआरटी में जा रहे हैं, आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, आप किसी भी जा रहे हैं, चाहे आप टीजीटी या पीजीटी कोई भी लेवल में, डेफिनेटली ध्यान रखिएगा. डेमो प्लेज अ वाइटल रोल. आपका डेमो का जो रोल है वो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए. बट मोर इम्पोर्टेंट इज योर पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ. यहाँ पर जो थी अनिल, पवन, हर्षिता, ये मुझे दिख रहे हैं, तो ऑल आर वेलकम स्टूडेंट्स. और आप अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल पुट अप कीजिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट सर्विस. ओके, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा तो उम्मीद करेंगे हम कि उसके अंदर आपसे बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको देंगे. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. Okay, so in this session I want you should come front, no shyness at all. आप अपनी क्वेश्चनिंग बिल्कुल फ्रंट आकर कीजिए. Open your cameras and talk to us. We want that this session should be very healthy among us. And regarding interview, as you know, demo plays a vital role. उसी तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी एक vital role अदा करता है. तो उसके अंदर हम डेफिनेटली हमारा नेम, क्वालिफिकेशन, हॉबीज, एम, स्ट्रेंथ्स बहुत कुछ बताते हैं. कोशिश करिएगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अपना फैमिली के पैटर्न नहीं बताएं, आप अपने बारे में ज्यादा बताएं क्योंकि पीपल इज मोर इंटरेस्टेड इन यू. और अपना जो इंट्रोडक्शन है एटलीस्ट उसकी लैंग्वेज, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट बायलिंगुअल. अगर आप आंसरिंग करते हैं इंग्लिश हिंदी मैटर नहीं करता, बट अगर आप अपना बायलिंगुअल पैटर्न रखते हैं इंटरव्यू के अंदर तो आप अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं इंटरव्यूअर को. ओके, सो दोज हु आर लिसनिंग एंड दोज हु आर अटैच्ड विद अस, आई रिकमेंड देम इंस्टेड ऑफ बीइंग शाइंग sitting just idle and listening to me like Jyoti, Harshita, Pawan, Dasharatha. So come front and talk to us. We are ready to help you out. और हमारे पास आप जानते हैं Zoom meeting में एक limited time period 40 minutes का होता है, तो मैं चाहता हूँ उस कम समय के अंदर मैं आप लोगों को open up करूँ, आप लोगों से बातचीत करूँ और आपके confidence को build करूँ. तो यदि आप बात करते हैं, सामने आपके करते हैं, I will give you the best. और आपका confidence भी बढ़ेगा इससे. So no shyness at all. I'm again saying to my lovable students, you should have the courage to ask your questions. क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा. आप सिर्फ सुनने की आदत पड़ी हुई है ना कि जाकर सेमिनार में सुन ले बस. मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, मैं तो खुद स्टूडेंट्स को बहुत बुलवाता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि आप बातचीत करो, आप अपने क्वेश्चन को रखो, तो मैं आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकता हूँ. तो आई सजेस्ट माई स्टूडेंट्स दैट यू शुड कम फ्रंट and talk. That is more important. Okay, oh, here those who are students, instead of getting shy, I again saying that ask your questions as much. और KVS इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है जिस इंटरव्यू बहुत मैटर करता है. अगर इंटरव्यूअर ने सोच लिया है कि इस कैंडिडेट को लेना है तो बिल्कुल दे विल सिलेक्ट यू. और अगर एक बार इंटरव्यूअर सोचता है कि यार नहीं यार ये कैंडिडेट कैपेबल नहीं है, यार ये अपने आप को कॉप अप नहीं कर पाएगा क्योंकि आपसे बहुत से क्वेश्चंस वो इस लेवल के, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना शाइनेस हटाएं और क्वेश्चंस पुट अप करें. अपने शाइनेस को अगर रखेंगे तो आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे बताइए. तो यू शुड बी वेरी बोल्ड टू आस्क योर क्वेश्चन. और मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी पर्सनल सेटअप होगा, पर्सनल क्वेश्चनिंग होगी, मैं उसके भी आपको जवाब दूंगा. ओके, नो वरी एट ऑल. तो आई सजेस्ट कि इस पर्टिकुलर क्लास का बेनिफिट लें. तो अगेन आई एम नेमिंग, ज्योति दिख रही है मुझे, पवन, दशरथ, हर्षिता, जो जो बच्चे आए हुए एटलीस्ट दे शुड हैव द करेज टू टॉक. दैट इज इम्पोर्टेंट. और व्हेन यू टॉक इन फ्रंट ऑफ, गुड इवनिंग ज्योति, आप सामने आकर बात करें तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आप लोग शर्माओ मत क्योंकि जब आप आते हैं बात करते हैं, मेरी वॉइस तो ऑडिबल है, सबको आ रही है मेरी वॉइस, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी वॉइस आ रही है क्या स्टूडेंट्स? आपको आ रही है? ओके जी. तो चलिए, मुझे उम्मीद है जो कुछ मैंने अभी तक आपको बताया वो अच्छा है। अब आप अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आपकी क्वेश्चनिंग के बेस पर मेरा बेस्ट से बेस्ट आंसरिंग होगा आपके लिए और आपको सपोर्ट होगा। कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट मैं आपको जरूर दूंगा। यस ज्योति प्रिया, आपका क्वेश्चन पुट अप कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? माय नेम इज ज्योति प्रिया। यू बिलोंग टू विच प्लेस? सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज वेरी बिग। विच पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? Sir, Srikakulam district. That's great. So you are going for KVS, which stream? KVS PRT, sir. PRT, that's very great. So you must go with demo with great poems in Hindi as well as in English. You must have command on EVS, even some grammar portion also, mathematics and Hindi poems also. It means PRT, देखो PRT क्या होता है? You understand Hindi or only English you want? सर हिंदी तो आता है बट मालूम पड़ता है साउथ इंडियन हिंदी बोल रही है। हाँ, थोड़ा नहीं आता है सर। आता है क्या? फिर ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं कहूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। सी रिगार्डिंग पीआरटी क्या होता है, हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि पीआरटी को सबसे ज्यादा डेमो की तैयारी करनी पड़ती है। देखिए आपको मैथ्स भी करना पड़ेगा, आपको हिंदी की पॉइंट और हिंदी की ग्रामर भी करनी पड़ेगी। यानी कि वो आपको खड़ा करके ये बोल सकता है ज्योति एक्सप्लेन संज्ञा एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। ज्योति आप एक्सप्लेन कीजिए प्रोनाउन, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी कि पीआरटी लेवल पर आपको ग्रामर भी करनी है हिंदी इंग्लिश, आपको पोएम्स भी करनी है। आज 9 o'clock एक वीडियो आएगा, अपलोड होगा 9:07 पे आएगा शायद, शाम को भी 1 घंटे बाद। आप देखना, उसमें पीआरटी स्टूडेंट है हमारे पास, वो शायद हरियाणा की है, अच्छी है वो, उसने काफी 2 पोएम्स बोली है बहुत अच्छे से। तो वो पॉइंट्स आप सुनना। सर मैंने देखा है आपका क्लासेस का वीडियोस, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है सर और बहुत यूजफुल भी लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैंने जो ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई है मेरे स्टूडेंट्स की, क्योंकि मुझे मालूम है हर बच्चा अपने को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो आज ये समय मेरा जिम्नेशियम का होता है। आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइज इन दिस टाइम बट सिंस मुझे लगा सैटरडे यार अपने बच्चों को कुछ देते हैं, जो बच्चा अपने तक नहीं पहुंच सकता एटलीस्ट उसको है ना जूम मीटिंग के थ्रू कुछ पढ़ाया जाए। अभी भी क्या होता है एक्चुअली ज्योति, आप जैसे बात कर रहे हो तो यहाँ पर ना अब ये ठीक है दशरथ आ गया सामने, मगर बहुत बच्चे ना शर्मीले हैं। शीतल, रूबी, निधि, ये लोग ना बात करते हुए शर्माते हैं। अब जब ये बात ही नहीं करेंगे तो मैं इनके कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करूंगा, आप बताइए। वही सर बात करना ही पड़ेगा। सर मेरा डाउट है, अगर आप बात करते हुए आप बात ही नहीं कर पा रहे तो आप इंटरव्यू में क्या करेंगे? अब मेरा एक स्टूडेंट है अभी एम.बी.एस का इंटरव्यू देकर आया है। He told some people were shivering as if they are suffering from malaria. Outside of the interview chamber, while going, they felt as if they are having fever. मतलब एक fear, क्यों? क्योंकि practice नहीं की, कभी बात ही नहीं करी, कभी जाकर face ही नहीं किया। वहाँ पे बहुत डर लगता है। शिवी तोमर को इससे मोटिवेशन मिल गया, शिवी तोमर सामने आ गई है भाई। तो ज्योति अदर क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूँ रिगार्डिंग इंटरव्यू। और शिवी आपका भी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए, और जो शर्मीले बालक बालिकाएं उनको शर्माने दो, ज्यादा अच्छा है। बोलिए सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हाँ ज्योति क्वेश्चन पुट अप कीजिए प्लीज। ज्योति म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। शिवी कोई क्वेश्चन है तो आप ही पूछ लेना। शीतल, रूबी, दशरथ, केटी, निधि, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी सुनाई दे रहा, आप बोलिए। सर मेरा ये डाउट है, मेरा बीटेक है ना सर 2013 में कंप्लीट हुआ, मैंने बीटेक ग्रेजुएट किया है सर 2013 में कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने मतलब हमारा कैंपस सिलेक्शन कुछ हुआ नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत बैंक जॉब का ट्राई किया है सर एक 3 इयर्स के लिए। फिर उसमें OC UR होने से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। फिर बाद में मेरा शादी हो गया, एक किड हो गया, उसके बाद मैंने बीएड कर लिया सर। ये जो एजुकेशनल बीएड हाँ बीएड 2018 में किया है। ओके। उसके बाद कोरोना आ गया। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आप म्यूट है ज्योति, म्यूट है आप। ज्योति अनम्यूट करिए। सर क्या बोल रहे हो? ज्योति आप बोलो। मैं समझ गया आपकी बात, आपके कहने का मतलब है 2013 में आपने इंजीनियरिंग किया, और ये बीच में कैपिंग आया और उसके बाद आपने बीएड किया 2018 में। 18 में आपने कंप्लीट किया, 18 में आपने शुरू किया था बीएड? नहीं, 18 में मैंने शुरू किया, 20 में कंप्लीट किया है सर। हाँ, तो ज्यादा कोई गैपिंग नहीं है आपकी, क्योंकि 2022 के अंदर तो जॉब आई होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसको मुझे ऐसा बताने का है सर इंटरव्यू पैनल को। देखो, आपको बताना तो सच ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी मार्क्स बहुत कुछ कहेगी, और इवन वो आपको ये भी कहेगा कि आप एक इंजीनियर होकर पीआरटी के अंदर जा रही हो, राइट? बट नो वरी एट ऑल, आप कह सकते हो कि सर आफ्टर माय इंजीनियरिंग, इवन ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग एंड ड्यूरिंग माय स्कूलिंग इन कॉलेज, आई वाज क्वाइट फॉन्ड ऑफ टीचिंग एंड आई यूज्ड टू टीच माय फ्रेंड्स एंड ऑल दिस, सो आई वाज, इट वाज रियली अ बिग इंप्रेसिव थिंग सर। और मुझे बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबी भी है सर। तो जब 2013 में मेरी मैरिज हुई, आई ब्लेस्ड विद द किड्स सर, तो बच्चों के साथ रहने की वजह से और उनको पढ़ाने की वजह से सर मेरा जो इंक्लिनेशन है दैट इज टोटली, I diverted towards my inclination towards kids, और मैं उनको पढ़ाते पढ़ाते अपने आप को बहुत एक्सपर्ट किया, और मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ से अगर बेस जो स्ट्रांग होना चाहिए तो सच में अगर प्रूडेंट हो जाए तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने बीएड करने का सोचा, और मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं सर, दे आर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते तो बेस्ट है, और मैं अपने हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड बनना चाहती थी। और 2019 के अंदर, करीबन 20 के अंदर मैंने वो कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, और लकीली सर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू रिस्पेक्टेड पीपल सर। इतना बोल देना बस सर। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे इतना डर था, मैं कैसे बताऊं ज्योति यार, तुम लोगों के लिए तो आया हूं मैं। सर बीटेक से क्यों स्विच किया आपने? मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एज यू नो सर एजुकेशन ऑलवेज पेज। एक दो बातें और मार देना बस, बहुत इंप्रेशन, पक्का पक्का ज्योति तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। मगर ना डेमो के अंदर रील में उनको स्टाइल दिखाना, उनको अंदाज दिखाना, मतलब तुम ग्रेट हो, क्योंकि डेमो जो है ना वो अल्टीमेट होना चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन शीतल शिवी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शीतल जी, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर ज्योति एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिर मत कहना। नो सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि सर मैंने 12th जो है ना वो अपने मेडिकल से किया। ये तो बता दीजिए पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैडम? सर मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी जो हूँ मैं दिल्ली में रह रही हूँ। ओके, बताइए अपना क्वेश्चन, बोलिए शीतल जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 12th जो है वो मेडिकल से किया था, बायो से, बट उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो थी वो अपनी बीए आर्ट्स बीए प्रोग्राम से किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो सर मुझे ना ये, और उसके बाद फिर मैंने मास्टर जो है वो सोशियोलॉजी में किया है, और डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है। किसके लिए जा रहे हो केवीएस में? पीआरटी के लिए। अच्छा, पीआरटी के लिए जा रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। तो सर मुझे ना थोड़ा ये डाउट है कि अगर मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने मतलब 12th, आप अगर मैं पूछूं आपसे पर्सनली, क्यों चेंज किया था? हाँ सर, एक्चुअली मैंने गैप ले लिया था कि मुझे मतलब मेडिकल में आगे मतलब पीएमटी वगैरह की तैयारी करनी थी, तो फिर मैंने सोचा था कि एक साल मेरा खराब ना हो, तो मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस से मैं, अब साइंस तो कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं हो सकता, नहीं होती, इसलिए मैंने आर्ट्स ले लिया था, सो दैट कि मैं साइड बाय साइड करती रहूंगी। बट फिर मेरा इंटरेस्ट जो है फिर आर्ट्स में आ गया था, मैंने फिर आगे अपनी मास्टर्स जो है ना वो भी सोशियोलॉजी में कर ली थी। आपने जब 12th पास की थी, जब आप हिमाचल में थे क्या? नो सर, मैंने दिल्ली से ही की है, मेरी स्कूलिंग सारी दिल्ली की है। ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली, क्या पर्सनल क्वेश्चन को सेटअप करने में ना ऐसे एकदम से नहीं करना चाहिए, कई बार वो कैजुअल अप्रोच हो जाती है। बाकी मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ कि देखिए +2 आपने जो किया ना वो आपने, आपके पास बायोलॉजी था राइट, उसके बाद आपने स्विच किया था। हाँ जी, तो आप बोल सकते हैं सर आई वाज क्वाइट गुड इन साइंस सब्जेक्ट सर, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पीएमटी, दिस जो भी नेट आप बोलते हैं, आई प्रिपेयर्ड एंड आई डोंट वांट दैट माय ईयर शुड बी वेस्टेड, so I started preparing for my NEET as well as I filled a form of my B.A sir, जो B.A आपने शुरू किया, and that was private sir, and sir unfortunately मुझे जो grading मिल रहा था वो डेंटल तक आ रहा था, तो मुझे नहीं किया क्योंकि मेरा गायनी बनने का सपना था। मुझे लगा फिर आगे that I should go further in my B.A subjects जो मुझे अच्छे लगने लगे धीरे धीरे। आपने मास्टर्स भी किया क्या उसमें? यस सर, मैंने सोशियोलॉजी मास्टर्स किया है। हाँ, बहुत अच्छा। तो आप बोलना कि सिंस माय इंटरेस्ट डेवलप्स इन दैट, तो मुझे लगा सर दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट करियर वेयर आई कैन बिल्ड माय स्ट्रीम्ड इन जॉइनिंग वेरियस स्ट्रीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक केवीएस एंड अदर्स। लकीली सर आपके मार्क्स कैसे थे सोशियोलॉजी के अंदर? सर एक्चुअली अभी पूरे मार्क्स आए नहीं, IGNOU का रिजल्ट अभी पूरा इन्होंने निकाला नहीं है। ग्रेजुएशन में कितने थे सर? ग्रेजुएशन मेरे 64% थे। तो अच्छे है ना, आप कह देना सर आई डिड माय ग्रेजुएशन विद फर्स्ट डिवीजन एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर वैसे आपने एक बात बताइए, फॉर्म फिलअप में बताया गया कि आप मास्टर्स कर रही हैं, नहीं बताया होगा? सर अभी तक तो नहीं बताया है। नहीं बताया ना, बट वो अगर पूछेंगे कि दो साल मैंने क्या किया तो फिर 2020 को ज्यादा नहीं होते। आपने ग्रेजुएशन कौन से साल में पूरा किया था? 2020 में। हाँ तो आप मत बताना, आप बोलना स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और मुझे लगा कि टीचिंग करियर के अंदर अपना वर्क करूं। कोई एक्सपीरियंस है आपको पीआरटी का? यस सर, मैंने दिल्ली में ही मतलब स्कूल में मैंने जॉब की। आप उसको हाईलाइट करो, उसका कारण देखो क्या होता है। शीतल अगर आप बताते हैं ना कि सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो वो आपसे ओवर क्वालिफाइड का क्वेश्चन पुटअप करेंगे। उसके अंदर हो सकता है मैं आपको बहुत अच्छा आंसर दे दूं, मगर आप वहां पर जाकर कैजुअल आंसर दे दो थोड़ा सा भी, तो वो बाकी आंसर्स को नलीफाई कर देगा। तो मैं नहीं चाहता आपको खराब करना, ज्यादा अच्छा है उसको हाईलाइट मत करना। अगर अभी तक नहीं किया तो फिर मत करना आप, क्योंकि देखो ओवर क्वालिफाइड का क्वेश्चन जरूर रेज होगा आपके लिए, तो आप उसको अननेसेसरली मत रेज होने दो। और आपका कोई ईयर को गैपिंग इतना कोई बहुत बेहतर नहीं है कि आपको वो तंग करेगा, तो आप बेफिक्र हो जाओ इस मामले। और सर और मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे ना अपने हॉबीज का समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि व्हाट शुड आई से इफ दे आर आस्किंग अबाउट माय हॉबी। देखिए हॉबीज है ना बनाई नहीं जाती, हॉबीज होती है। सबसे पहले आप ब्लफ नहीं कर सकते इंटरव्यू को, इंटरव्यू बहुत ट्रिकी है, वहां एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलेंगे ना वो उस पर क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो या तो आप डिप्लोमेटिक हो जाओ 100%, फिर आप उसके लिए वेल ट्रेंड हो जाओ, वो आपके पास समय नहीं होगा मान लो, या कोई भी बात होती है। मैं ऐसा नहीं कोई प्रेशराइज करूंगा, या आपके पास राइट मेंटरशिप ना हो, ऐसा नहीं करो। आप वही बताओ जो आपकी रियल में हॉबीज है, मगर अगर वो मैचिंग कर रही है थोड़ा सा प्रोफेशन को तो उसका हमको बेनिफिट मिल जाता है, बस इतना होता है। तो आप अभी अपनी हॉबीज क्या बता रही है? सर एक्चुअली मुझे मतलब जो जैसे क्राफ्टिंग वर्क मुझे अच्छा लगता है। पढ़ाया है ना बच्चों को आपने, तो स्कूल में पढ़ाया तो है। हाँ जी। तो आपकी पहली हॉबी टीचिंग? सर टीचिंग प्रोफेशन नहीं हो गया हमारा? नहीं नहीं, हॉबी भी होती है टीचिंग, आप टीचिंग को हॉबी रख सकते हैं। आप फर्स्ट हॉबी पे टीचिंग रखना, उसके बाद में आप जो भी जस्टिफाइड आपको लगता है व्हाट एवर इज गुड फॉर यू, यू कैन प्लान अकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। निधि, शिवी, हाँ शिवी बोलो जल्दी क्वेश्चन। सर मैं ये बोल रही थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि आप मुझे बता सको कि उसमें थोड़ा जल्दी दो शिवी, अपने पास मिनट है ना, समय बहुत लिमिटेड है। बाकी यहाँ पर आधे से ज्यादा शाही लोग हैं, ये चुपचाप बंद करके बैठ के देखना ही चाहते हैं वीडियोस को, तो इनको देखने दो। ये देखो पुनीता, पवन, कीर्ति, अमित, दशरथ, रूबी, ओप्पो, ये शर्मीले बच्चे हैं, ये मेरे चुपचाप बैठ के देखना चाहते हैं, इनके पास कोई क्वेश्चन नहीं है और ये इनको लगता है बस बैठ के देख लो और जिंदगी सवर जाएगी बस। तो आप आराम से अपना इंट्रोडक्शन दो, आपके लिए बहुत समय है मेरे पास। मगर आप पहले ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये शुक्र है ज्योति की आंख खुली, ज्योति को लगा हाँ यार सर सही कह रहे हैं, ये बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये देखो पुनीता और ये ओप्पो ने भी खोल दिया सब कुछ, ये बहुत यार हमें शर्माते तो क्या लड़के। हाँ जी शिवी, कहाँ से बिलोंग करते हो? आई एम शिवानी तोमर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली। शिवानी जैसे आपका नेम बहुत अच्छा है शिवानी, तो आप इसको मैचेस करो अपनी पर्सनालिटी को, कोऑर्डिनेट करो अपने नाम को। और एक्सपीरियंस है क्या कोई आपका? नो सर। और बताने के अंदाज में ना थोड़ा सा शिवानी ऐसा जैसे ब्रश अप, ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ, जैसे ज्योति स्माइल रख रही है ना, ऐसे स्माइल रखिए। गुड मॉर्निंग सर, सर आई एम शिवानी, थोड़ा स्माइल दो। ये ज्योति को देखो, आप दोनों ज्योति को देखो बहुत स्माइल कर रही है ना, तो ऐसा आपके फेस पे चार्मनेस होनी चाहिए। थोड़ा सा बताते हैं आप ज्यादातर क्या करते हो, सुनाते हो इंट्रोडक्शन बच्चों की तरह, वो मत सुनाओ क्योंकि थर्ड क्लास का बच्चा भी याद कर लेता है, समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, मेरे पास जो भी पर्सन आया है ना, मैंने एक बात नोटिस करी है, वो हमेशा ना सुनाने पे जोर देता है। सुनाओ मत आप उसको, है ना, अपने अंदाज में बताने की प्रैक्टिस करो। एक बार दोबारा सुनाओ शिवानी। सर मेरा हिंदी तो ठीक है ना? हिंदी आपका बहुत अच्छा है, चिंता मत करो ज्योति। मेरे पास वेस्ट बंगाल के बच्चे जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी वो भी सिलेक्ट हो गए, चिंता मत करो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी है। वो मुझे बोल रहे थे वेस्ट बंगाल के बच्चे, कहते सर अगर हम गंगानगर आई तो हम कहाँ रहेंगी? मुझे लगा गर्ल्स है, मैंने कहा गर्ल्स हॉस्टल में रहोगे? हम सर गर्ल्स हॉस्टल में नहीं रहना चाहती। मैंने कहा तो कहाँ रहोगे? हम बॉयज हॉस्टल में रहना चाहती। मैंने कहा आपका नाम बताओ, उन्होंने नाम बताया, मैं समझा ओके ओके यू आर अ बॉय, ठीक है। तो वैसी हिंदी है तुम्हारी तो चल जाएगा काम। थैंक यू सर। मुझे वो एक डर लगता है मेरा हिंदी सुन के वो लोग ना बोले साउथ इंडियन से हो ना आप, हिंदी में मैनेज कर अंडरस्टैंड दैट थिंग। नहीं वो लोग ये बात समझते हैं, बट एक आपको एडवांटेज मिलेगा ना कि आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंदर स्ट्रांग होता है हम लोगों से, तो यू आर मोर कैपेबल, ज्यादा बेनिफिट मिलता है बल्कि आप लोगों। A54 आप भी कोई क्वेश्चन पूछो। इधर ज्योति शिवी आप बोल दो इंट्रोडक्शन, ये शर्मीले बच्चे नहीं पूछेंगे, आप बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। आई एम शिवानी तोमर, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। यहाँ पर आपने ट्रैपिंग नहीं फेंकी, थोड़ी ट्रैपिंग दो ना, इंटरव्यूअर को फंसाओ ना, जाल फेंको थोड़ा सा, कुछ है ना उसके अंदर चीजें डालो जिससे वो आपसे क्वेश्चंस पुट अप करे। यानी कि इंटरव्यूअर को क्या अपने ट्रैक पर लाया करो। अगर आपने सीधी सीधी बातें बता दी ना तो आपने उसको एक खुला शेर बना दिया। अब वो अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाला है ये हमको नहीं पता। तो इंटरव्यूअर को क्या ट्रैपिंग फेंको थोड़ा बहुत। अगर आप दिल्ली के बारे में कोई मॉन्यूमेंट कुछ बताते हो, कुछ हाईलाइट करते हो, कुछ बताते हो अपने, या अपने पर्सनालिटी को कुछ बताते हो, तो वो क्या उसके अंदर इंडल्ज होगा, उसके अंदर आपकी क्वेश्चनिंग आएगी, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। कुछ अंदर डालो उसके। हॉबीज क्या आपकी? कंटिन्यू करो। हॉबीज? सर माय हॉबीज आर स्केचिंग एंड मेकिंग क्राफ्ट्स आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। अच्छी हॉबीज है आपकी, गुड। और भी कुछ हॉबीज है तो बता सकते हो आप, जैसे आपकी कोई हॉबी सिंगिंग वगैरह हो आप लोगों की, क्योंकि इंटरव्यूअर इस चीज को बहुत पसंद करता है। पीआरटी में जा रही हो ना? यस सर। आप पीआरटी में जा रहे हो तो सिंगिंग, डांसिंग, ये तो आपकी हॉबीज होनी चाहिए ना। इंप्रेसिव, अच्छा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि एक्सप्रेशन के साथ अगर आप देते हो कोई पोएम वगैरह तो बेनिफिट मिलता है इस चीज का। सर पोएम तो जैसे मैंने जो प्रिपेयर की है वो ये एक्सप्रेशंस के साथ ही की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक पोएम मत करना मैडम, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स की क्लास, ईवीएस की क्लास, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, संज्ञा, सर्वनाम, सब कुछ मैंने सारे, हाँ मैंने सारे पीआरटी को जितने डेमो तैयार कर रहे हैं ना उतने किसी को नहीं ये बात दिमाग में लेकर चलना, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ट्रिकी होता है। बाकी एक और आपको हिंट देता हूँ सबको, मुझे नहीं पता आप में से पीआरटी कौन है, कोई और लाइब्रेरी में कोई और भी क्वेश्चन पुट अप करे मैं पक्का आंसर दूंगा, ऐसा नहीं है मैं पीआरटी के लिए बनाऊं। वहां पर पता है क्या है, थोड़ा सा ना आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या थोड़े वर्ड्स इंग्लिश के शो जरूर करना। उनको ये रियलाइज मत करवाना कि आप कम्युनिकेशन वीक है या फिर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो। बहुत अच्छा इंप्रेशन डालना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्ट क्या आपका? ओप्पो डियर। वजह से थोड़ा ये बच्चा बोल ही नहीं रहा यार, मैं इतना चांस दे रहा हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार। नहीं पूछ रहे आप, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओप्पो, हाँ जी सर। ये आपका क्या क्वेश्चन है? कॉमर्स? ज्योति तुम तो पूरी, हाँ पुरानी वेल नॉन है ना? हाँ जी सर। एस्पिरेंट हो, अरे वाह कितना अच्छा लगा देखकर। ज्योति तुम तो आ जाया करो ना 12 बजे वाले बैच में, 12 बजे क्लास होती है ना कॉम्प्लीमेंट्री। सर मैं आ नहीं सकती सर, मैंने आपको उस दिन बताया कुछ, मैं कॉलेज ज्वाइन कर रखा है सर। मैं कॉलेज ज्वाइन कर, कितने बजे आती हो वहाँ से? सर मैं 3, सवा 3 के आसपास घर पहुँच जाती हूँ। अच्छा मैंने अब पहचाना, अब मैंने ना जैसे फेस है ना इतना, उस पर व्हाइटनेस बहुत आ रही, पीछे लाइट है आपके, तो इस समय तुम वो, हाँ वो दुर्गा माता की हर बार औरा नहीं लगा होता वैसी लग रही है, तो हाँ वो कुछ ठीक है। तो स्माइल से मुझे लग तो रहा था, मैंने कहा है तो नो नहीं। अच्छा ठीक है कोई नहीं। ज्योति मैं ना इवनिंग में कहीं ऑनलाइन है उसमें ले लूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ देना। पीआरटी है क्या आपकी बार? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना मुझे एक व्हाट्सएप करके छोड़ देना बस, नंबर तो है ही आपके पास। मैंने पीआरटी में भी देती हूं। हाँ हाँ मैंने आपको बोला ना, आप एक व्हाट्सएप करके छोड़ देना, नो प्रॉब्लम। बस आपको तो मैं दी बेस्ट करा दूंगा दोबारा। सर कट ऑफ का क्या क्या लग रहा है कि कितने तक? क्या बात करते हो, कट ऑफ? कट ऑफ मत देखा करो तुम लोग। मैं, मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आता है ना कभी उसको ये नहीं पूछता तुम्हारे मार्क्स कितने आए, हमेशा मैं उसको ये बोलता हूँ यार 60 में से कितने लेकर आने हैं, क्या कट ऑफ? छोटी बात क्या करते हो तुम लोग, बड़े बड़े रहा करो, ठीक है ना। आप अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, अपनी स्ट्रेंथ्स क्या बताने वाली हो? सर हाँ जी निधि, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? सर मैं पीजीटी के लिए एस्पिरेंट्स हूँ। पीजीटी सब्जेक्ट क्या है मैडम? मेरा कोई निधि, सब्जेक्ट क्या आपका पीजीटी में? कॉमर्स। कॉमर्स है सर। ओके ओके कॉमर्स है आपका, हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन है तो पुट अप कर लो, कोई बात नहीं हम आपकी हेल्प कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सर मेरा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, कोई इशू आएगा आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लेने वाला पर्सन है ना वो आपको अपने एक्सपीरियंस से नहीं, आपकी ओन क्वालिटीज से लेगा। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को लेते, मेरे कितने नॉन है, कितने मेरे स्टूडेंट्स, कितने फ्रेंड्स तक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवीएस एनवीएस में यही खुशी की बात होती है कि वहाँ कोई अप्रोच नहीं है, वहाँ कोई पैसा नहीं चलता, वहाँ कुछ नहीं, जेन्युइननेस है अभी तक, बस बाकी नहीं पता। पर अभी तक बहुत जेन्युइननेस है। तो आप वो मत सोचो आपका एक्सपीरियंस कोई मैटर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए निधि, आपके जो बताने का जो वे है, आपका जो एक्सप्रेशन है, जो डेमो वगैरह वो शानदार होना चाहिए, वो एक सच्ची में पीडेगॉग को कॉम्पीट करने वाला होना चाहिए, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ओके निधि, आर यू सैटिस्फाइड? डेमो के लिए अगर कोई प्रिपरेशन करती हो, यस आई एम सैटिस्फाइड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैं प्रिपरेशन करके लेके जाती हूँ टीचिंग डेमो के लिए, तो उसमें मैं मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके लेके जाऊँ अकाउंट्स के, या बिजनेस का कोई थ्योरेटिकल लेके जाऊँ, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इससे इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे नॉलेज पर। जैसे मेरे पास एक गर्ल आई थी, अभी समझ गया मैं आपके क्वेश्चन को, अभी मेरे पास एक गर्ल आई थी, मैं सतवीर नाम था, पता नहीं क्या नाम था शायद, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा, बहुत टैलेंटेड थी वो लड़की। उस गर्ल का ना प्रैक्टिकल बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है तुम लोगों का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल, मुझे ऐसा महसूस होता है कॉमर्स वालों का। तो अगर आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है तो आप प्रैक्टिकल पे ले जाओ, मगर देखो वहां इंटरव्यूअर की मर्जी चलेगी, वो आपको ये भी कह सकता है मैडम आप डेमो दीजिए फ्यूल्स प्रिंसिपल्स पर, मैडम आप डेमो दीजिए मैनेजमेंट पर, तो आपको देना पड़ेगा। निधि फ्यूल्स प्रिंसिपल पता है आपको? फ्यूल्स प्रिंसिपल हेनरी के 14 प्रिंसिपल्स हैं, जो बिजनेस के मैनेज लास्ट वाला कौन सा होता है? नहीं चलेगा इंटरव्यू में। सॉरी सर, आई कांट रिकॉल राइट नाउ। होती है उसका मीनिंग होता है टीम स्पिरिट की भावना, बाकी ज्योति बता देगी पक्का, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो निधि अपने आप को टैलेंटेड कराओ, ऐसे नहीं चलेगा। इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यूअर आपको सेकंड्स देता है आंसरिंग करने का, तो उस समय अगर आपके पास आंसर है तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? अमेरिकन एसोसिएशन ने दी है। इवन इसका फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल है क्या? पीटर ड्रकर होना चाहिए फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो हेनरी फ्योल है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमारे एफडब्ल्यू टेलर हैं। हाँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट के उन्होंने दिए थे। और मार्केटिंग के, मार्केटिंग के अरे मार्शल थे वो, प्रॉपर नाम तो मेरे उनको याद नहीं आ रहा, मार्शल थे, फिलिप कोटलर है ना? एक एक्स और वाई थ्योरी होगी, आपने पढ़ी होगी ना एक्स और वाई। हाँ, मैकग्रेगर ने दी थी वो। हाँ, गुड गुड, आपका नॉलेज अच्छा। आप इन टॉपिक्स को गो थ्रू करो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर वो आपको चांस दे तो आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेना, और अगर चांस नहीं दे तो फिर भगवान के भरोसे जो टॉपिक दे चुपचाप बोलने लग जाना बढ़िया तरीके से, बस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो आपको जो बोलेगा आपको डेमो देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पुट अप करना चाहेगा भाई? जो निधि के अलावा दशरथ, पवन, अमित, वीरेंद्र, आशुतोष, शीतल, ज्योति, इधर सारे बच्चे शांति से बैठे हैं, बहुत प्यार से, कुछ नहीं। हाँ पुनीता, कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट कर दिए पुनीता, अनम्यूट करके पूछिए। पुनीता आपने म्यूट किया हुआ है मैडम। सर मुझे कुछ, हाँ शिवी आपकी स्ट्रेंथ बता रही थी आप। जैसे मैं मेंशन करूंगी कि स्केचिंग, और तो मैंने कार्ड बनाया था एक बार, मतलब मेरे पास ऐसी पड़ा है घर पे मदर्स डे के लिए, तो मतलब इस तरीके से कुछ छोटा चीज ले जा सकते। अब ले जा नहीं सकते, मगर आप वहाँ बना सकते हो, अगर वो आपको चांस दे तो आप बना देना, क्या दिक्कत है? आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो आपको दे सकते हैं बनाने के लिए। पूरीता कोई क्वेश्चन है क्या? ओप्पो आपका कोई क्वेश्चन है बेटा? जीवी आप स्ट्रेंथ बता रही थी अपनी। हेलो सर। हाँ पुनीता जी बोलिए। ज्योति प्रिया आपका तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इधर पुनीता आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा। सर हॉबी में, सर बोलिए बोलिए ज्योति प्रिया, आप क्या पूछना चाहते हैं? हेलो सर, सुनाई दे रहे हैं ना? हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ सर सुनाई दे रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? जी जी सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ सर, मैं हॉबी में, मेरा सिंगिंग हॉबी है सर। चलेगा, बेस्ट है। ओके, इंटरव्यू फटाफट पूछता भी है, कुछ सिंग करके दिखाओगे? हाँ जी श्योर, मस्त सुनाना उनको। हाँ हाँ सर, हाँ मैं मतलब हिंदी में गा सकती हूँ सर। आई हैव अ मल्टीलिंग्विस्ट मींस मैं आंध्रा में रहती हूँ, लेकिन आंध्रा उड़ीसा का बॉर्डर में हमारा मतलब जो एरिया है वो आएगा, तो मैंने उड़िया पढ़ाई किया है, 10th तक मेरा उड़िया मीडियम है, लेकिन तेलुगु लिखना बोलना सब आता है, मतलब उड़िया, तेलुगु एंड हिंदी, इंग्लिश 4 लैंग्वेज में बोल सकती हूँ सर आराम से। ग्रेट। अभी आपके ओडिशा से ना? हाँ जी बोलिए बोलिए ज्योति, आप क्या कह रहे हैं? सॉरी सर क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा आपके ओडिशा से अभी सर इसको मैं इंटरव्यू में हाँ हाँ डालिए डालिए डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल एड ऑन करोगे आप बिल्कुल श्योर ओके ओके जरूर डालना सर ओके सर बहुत बढ़िया रहेगा। आपके ओडिशा से भी एक कैंडिडेट था हमारे पास, बच्चा था, उसका कोई इंटरव्यू था स्पेशल, तो उसके फादर कहते हैं इंटरव्यू है। मैंने कहा कब है? कहते 7 दिन बाद। मैंने कहा फिर आपको टाइम लगेगा? कहता नहीं आप हाँ बोलो मैं कल आ जाऊंगा। मैंने कहा कैसे? कहता बस 10 बजे फ्लाइट सुबह आपके पास। वो ले भी आए बच्चे को, बहुत टैलेंटेड बच्चा, सिलेक्ट हो गया वो 100% सिलेक्ट हो गया, उसका कल रिजल्ट आया है और अच्छा था। वीरेंद्र जी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लो, टाइम की लिमिटेशन है, 9 मिनट रह गए आप लोगों के लिए, जल्दी बोलिए कोई क्वेश्चन। सर नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, क्वेश्चन है तो जल्दी से बोल दो कोई। सर मैं वीरेंद्र जी की वाइफ हूँ। अच्छा अच्छा। सर मेरा भी लाइब्रेरी का जैसे एग्जाम, मुझे लगता है कि मुझे भी कॉल आए इंटरव्यू की। जरूर आएगा मैडम, आप फिक्र मत करें। आप लाइब्रेरी के लिए टॉपिक्स कर रहे हैं क्या? अच्छे अच्छे कवरिंग कर रहे हैं? जी मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स कर रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो मुझे हरियाणा की जो मतलब क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो वहाँ की खास हरियाणा कर लेना और अपनी सिटी के बारे में कर लेना। सिटी कौन सा है आपका? सर स्पीडो। बस सिटी के बारे में कर लेना और हरियाणा के बारे में, बाकी वो कम ही पूछेगा। उसके बाद लाइब्रेरी रिलेटेड बहुत बातें हैं आपके पास, और लाइब्रेरी एक अल्टीमेट अपने आप में बहुत वास्ट कंसेप्ट है, अब हमने देखा है सच में अल्टीमेट चीज है। ई ग्रंथालय वगैरह पूछ लेगा, लॉस वगैरह पूछ लेगा, ये बच्चों वाले टॉपिक होते हैं आप लोगों के लिए। डेमो वैसे तो नहीं आएगा बट डेमो की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? डेमो की चांस बहुत कम होते हैं आपके, डेमो नहीं होगा, मगर वो कह रहा है कि 30 नंबर का हम डेमो देंगे, तो आप डेमो की प्रैक्टिस करके रखना, उसके अंदर क्लासिफिकेशन वगैरह कर लेना, उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। जैसे डीटी का क्लोन क्लासिफिकेशन है ना, उसको हाईलाइट करना उसका बैकग्राउंड। और कोई क्वेश्चन है तो बोल दो जी। पूछनी है मुझे। हेलो सर, जैसे मैंने बीएससी की हुई है तो मैं बीएससी से भी क्वेश्चन किस लेवल तक के एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? एक्सपेक्ट जो आप एजुकेशन बताओगे वहाँ तक कर सकते हो और उसके इंटरेस्ट पे कर सकते हो, उसकी मर्जी चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। मतलब ये मत सोचना कि मैं पीआरटी जा रही हूँ तो मुझसे पीआरटी के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी एजुकेशन की, इसलिए तो मैंने उनको मना किया था। वो कौन सी गर्ल थी अभी जो बता रहे थे कि मैंने मास्टर्स, मैंने कहा अभी शो नहीं किया तो मत करना। बस अमित दहिया कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। ज्योति, शीतल, दशरथ शो नहीं किया। हाँ हाँ बस काम करना, अननेसरी हेडेक लेना। आप उसकी बजाय अपने डेमो तैयार करो, बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी अच्छी करो। आशुतोष कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बीएससी का, बीएससी से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। बीएससी आपने किसमें किया है मैडम? सर जूलॉजी में। जूलॉजी में बॉडी सिस्टम किया है क्या? हाँ सर मतलब ह्यूमन से रिलेटेड टॉपिक्स। कौन सा सिस्टम आपका फेवरेट है? फेवरेट तो ऐसा कुछ सर कोई एक सिस्टम का नाम तो ले दो। सर सर्कुलेटरी सिस्टम बोला है मैंने। हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड देती है, उसकी उसका नाम क्या है? आपको पता नहीं? आपके सर से इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइंस, इंग्लिश कुछ भी पूछ लेना। कोरोनरी आर्टरी देती है, ठीक है ना? और राइट और ऑट्रियम के अंदर कौन सी 2 वेन्स लेकर आती है ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है उधर से? सर ऐसे मैं कंफ्यूज हो रही हूं कि सुपीरियर वेना क्या है, इंफीरियर वेना क्या करती हो, पढ़ लेना ढंग से, ठीक है ना? हेलो जी अमित। हां जी कृष्णन कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार जल्दी से। अमित, वीरेंद्र, इधर ऋतु। नमस्कार। हां नमस्कार। नमस्कार कृष्णन जी, बोलिए जल्दी। सर मैं ये पूछ रहा था कि केवीएस पीआरटी में सर सीटेट मेरा दोनों लेवल क्लियर है, तो पीआरटी में बीएड वाला योग्य है क्या? बीएड वाला अभी तक तो योग्य ही रहेगा यार, उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे वो। अगर होगा ना कोई गड़बड़ भी तो आगे से होएगा, अभी वाले कुछ नहीं कहेंगे वो। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रखा है बता रहे हैं सर। नहीं नहीं अभी जो हो गया है ना उसको वो टच नहीं करेंगे, कर भी नहीं सर। बट उसमें तो मेंशन किया हुआ था इन्होंने, नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया हुआ था, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ये उन्होंने नोटिफिकेशन के टाइम ही मेंशन किया हुआ था। मगर ये गलत है ना कि बच्चों को पहले आप सेलेक्ट करो और अब उनको हटाओ, तो गलत है सर। नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, एस्टेरिस्क डाल के लिखा हुआ है। वो तो इसलिए करके रखते होंगे ना कि मतलब उनके ऊपर ना आए बर्डन, अदरवाइज सर ये भी सुनने में हम लोग इस टॉपिक पे अगर डिस्कस करेंगे ना तो 5 मिनट निकल जाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस पूछ लो मेरे कहने पर, मेरे को लगता है क्योंकि इसका जो होगा ना वो तो वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट बताता है। सच बात कह रही हो आप, मगर अपने उसको टाइम मत वेस्ट करो। बाकी मनोज जी बोलिए क्या कह रहे हो? जी सर, सर मैंने एक दो इंटरव्यू दे के देखा जैसे, तो कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है सर। मैं आपके पास तो आ नहीं सकता, टाइम की प्रॉब्लम है, तो बात क्या यार, क्या इसीलिए तो मैं आ गया आपके पास, क्यों टेंशन लेते हो यार, क्या फर्क पड़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सर क्या कर सकता हूँ, क्या हो गया तुम, अगर मेरे पास नहीं आए तो मेरे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट तो हो ना। नहीं सर मैं बढ़ा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मॉक दो, आपके पास जो गुड़िया देख रही है या वो देख रही है उनको बोलो कि मेरे से क्वेश्चन पूछे। हाँ वाइफ है तो वाइफ को बोल दो यार, कह दो मैडम ये 10 क्वेश्चन है, ये मेरे से पूछ, मैं बाहर से आता हूँ वैसे आऊंगा जैसे इंटरव्यू में आऊंगा। बैठिए अच्छे से, बॉडी लैंग्वेज अच्छे से होनी चाहिए, सामने बैठिए और मैडम श्रीमती आपकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछेगी। इंट्रोडक्शन दीजिए वीरेंद्र जी, हम आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे, EVS में क्यों आना चाहते हो, डेमो दीजिए। कॉन्फिडेंस है सर, हो जाएगा कॉन्फिडेंस यार, कोई टेंशन नहीं, पक्का पक्का प्रॉमिस है ना। अमित कोई क्वेश्चन शीतल कुमारी, हाँ जी रितु पांडे, हाँ जी सर। 2017 में मेरा B.Ed कंप्लीट हो गया था, उसके बाद से मैंने 2 इयर्स तक टीचिंग किया, फिर बहुत सारे एग्जाम भी क्वालिफाई किए बट उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। सही बात है, हाँ तो सर करे क्या आखिर, समझ में नहीं आ रहा है, जो एजुकेशन गैप हो गया है। मैरिज वगैरह कब हुई थी? मैंने कोई स्पेसिफिक मैडम एक्चुअली क्या होता है पर्सनल क्वेश्चन है, टाइम बहुत लेते हैं एक्चुअली, इसलिए मैं पर्सनल क्वेश्चन छेड़ता नहीं। अब है ना मेरा सारा समय आप पे निकल जाएगा। आप कहाँ से बिलोंग करती हो? तो शादी नहीं तो गोरखपुर से, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हो जाएगी। अभी फिलहाल तो आप बात तो सुनिए मेरा फर्ज है ना पूछना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर करूंगा ना। मुझे क्या, ज्योति मैरिड है, ज्योति नॉन है इसलिए पता है। अच्छा रितु सुनो ध्यान से सुनना, देखो क्या आपने जो 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है ना, उसके बाद कोरोना एपिडेमिक आया था, वो आपको बेनिफिट देगा। तो आप बोलना सर फॉर 2 इयर्स आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, फर्दर ऑन सर देयर वाज अ कोरोना एपिडेमिक एंड स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन एंड लेटर ऑन सर आई रियलाइज कि अगर मुझे कॉम्पिटिशन क्लियर करना है तो मुझे स्कूल्स वगैरह की जगह खुद सेल्फ स्टडी करके होल डे स्टडी करना ही पड़ेगा। और विद इन 2 इयर्स आई क्रैक्ड दिस, तो कुछ नहीं कहेगा इंटरव्यू, प्रॉमिस है मेरा। रितु पांडे जी, ब्राह्मण देवी मत टेंशन लो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी को और बच्चे का? कृष्णन, अमित, आशुतोष कोई क्वेश्चन? सर पीआरटी में 148 में हो जाएगा ना केवीएस के लिए? शानदार नंबर है यार 148, क्या बात करते हो तुम यार। 138 हो तो भी मैं तुम्हें बुला लूंगा। पवन, ज्योति, दशरथ, वीरेंद्र कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ जी कृष्णन, कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे? अमित दैया, अरे यार यहाँ एडवर्टाइजमेंट क्यों करवाते हो यार यहाँ तो तुम कोई वो ले लो ना, जो बच्चा नहीं पहुंच पाता तो हेल्प ले लो, कोई और क्वेश्चन पूछ लो। सर मेरी 10th, 12th और ग्रेजुएशन में केवल मार्क्स कम है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उसे कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन सेटअप कर दूंगा, कभी मिलोगे जब बात करूंगा, या वैसे कर दूंगा, मैं आता रहता हूँ मगर कुछ नहीं कहेगा। वही तो, उसके लिए फिक्र मत करो। हाँ तो मतलब कि आपके इसमें क्यों कम हो गए अचानक से? नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो आपको कहेगा। और बाकी अगर वैलिड रीजन बता सकते हो तो वेल एंड गुड है, थोड़े से डिप्लोमेटिक रहना, चल जाएगा काम, नहीं पूछेगा, ऐसे नहीं तंग करता हूँ। अगर सर आपने बताना कि पीआरटी के लिए कितने नंबर वाले वीडियो के लिए तैयारी करें? क्या ज्योति सर पीआरटी के लिए कितने नंबर वाले की, या फिर कितने नंबर वाले की तैयारी करनी चाहिए? भाई मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, मगर एवरेज अगर 120 से ऊपर है, अच्छे एवरेज और कैटेगरी ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर बन रहे हैं ज्योति तुम्हारे? सर मेरे 116 बन रहे हैं। 116? और कैटेगरी क्या है? कैटेगरी क्या है? इसके अकॉर्डिंग हो जाता है चांस, ठीक है ना। कैटेगरी बहुत मैटर करती है आपके, हाँ कैटेगरी बहुत मैटर करती है। पीआरटी केवीएस रिजल्ट कब आ रहा है सर? क्या कृष्णा क्या पूछ रहे हो यार? ये पीआरटी केवीएस रिजल्ट कब तक आ रहा है सर? जल्दी आपके पास आए। रिजल्ट को क्यों वेट करते हो, जब आना ही है तो फिर क्या रिजल्ट करते हो? रिजल्ट के बाद तो ज्यादा भीड़ होती है, बल्कि अभी मजा ज्यादा आता है। चलो फिलहाल ये मैटर नहीं है यार, ये मैटर नहीं है कि मैं आप लोगों को बुलाऊं, अभी 1 मिनट रह गया, मेरी बात सुनो सुनो। अब मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि 1 मिनट रह गया, उसके बाद ये मीटिंग चली जाएगी। प्लीज सुनिए ध्यान से, जो बात मैं कहना चाहता हूँ आपको। आप लोग इन दिनों एक ही काम करोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करो। बॉडी लैंग्वेज के करीबन 100 में से 55 नंबर वो आपको देगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपकी टोन पे वर्क करो, क्योंकि मैंने नोटिस किया बच्चों की टोन में बहुत कमी होती है। क्वेश्चन आंसर की चिंता मत करना, एक एक आंसर में आपको इतना डायनेमिक करवाऊंगा, आप याद रख लें। एक एक आंसर आपका पर्सनल प्रोफेशनल बहुत शानदार कर दूंगा, मगर जो टोन मैं देख रहा हूँ, जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, उसमें बहुत कमियां आती है। वो इंप्रूव करो, उस कॉन्फिडेंस को लेकर आओ। पक्का हो जाएगा सिलेक्शन, कहीं नहीं रुकेगा आपका, प्रॉमिस है मेरा। फिर भी कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो मैं आता रहता हूँ, आप फटाफट मेरे से पूछ लिया करो, आते ही मैं सॉल्व कर दूंगा। आज मैंने काफी लोगों के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे